चल भाई शौक की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जमीन की शक्ति दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने के तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों क्या कुछ है आंकड़े, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बसपा कांग्रेस पार्टी और आदर्श को लेकर किस तरह की स्टेटस है इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। साथ साथ पंजाब के ओपिनियन पोल को लेकर भी किस तरीके के नतीजे बताए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड गोवा मणिपुर के भी नतीजे सामने आए हैं, किस तरीके के दावे इस ओपिनियन पोल में किए गए हैं इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से पुरजोर तरीके से समर्थन देते हुए बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों पत्रकारों को संसद की प्रेस गैलरी में नहीं बैठने दिया गया, इसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बड़े पत्रकार ने जोरदार हमला बोला है, बताएंगे आपको इसकी पूरी जानकारी। के साथ ही साथ दोस्तों दोनों सदन के अंदर सरकार ने चुपचाप तरीके से तीनों काले कानून को वापस लिया है। इसी के साथ में प्रियंका चतुर्वेदी समेत विपक्षी पार्टियों के 12 सांसद पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। पिछले सेशन में अनुशासनहीनता को लेकर भी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने माना है 700 लोगों की जान गई है और इसीलिए अब नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में, एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी देश में चल रहे भारतीय किसानों के एमएसपी पर कानून बनाने की मांग का समर्थन करते हैं और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जोरदार लहर बहते देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल के अंदर कई सारे दौरे उत्तर प्रदेश के किए थे, ऐसा दिखाई दे रहा था कि नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। और ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के और कई सारे कार्यक्रम हाल फिलहाल के अंदर आयोजित करने जा रही है। इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल पंडितों ने जब ज्ञान देना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री के सहारे राज्य के अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर देश बंधु लाइव की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में बड़े दावे सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। जानकारी दी गई है बीजेपी को 147 से लेकर 155 सीटें मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और एक तरफा सरकार बनाने के समीकरण में दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी 195 से लेकर 203 सीटें जीत सकती है और बसपा को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 24 से 32 सीटें मिल सकती है, जबकि आदर्श को 5 से 13 सीटें मिल सकती है, जो बड़ी बात है। खुले तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन अपने दम पर मेजोरिटी में आ सकता है, ये स्पष्ट तौर पर संकेत दिए गए हैं। वहीं पर बीजेपी का आंकड़ा 200 सीटों के आसपास घटेगा और कुल मिलाकर बीजेपी 147-150 के आसपास आकर सिमटने वाली है। देश बंधु लाइव की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में यह बड़ा खुलासा किया गया है, यानी राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर जोरदार लहर देखने को मिल रही है देश बंधु लाइव की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में दोस्तों पंजाब के अंदर किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर ओपिनियन पोल में दावे किए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को 71 से लेकर 73 सीटें मिल सकती है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 16 से लेकर 18 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 24 से 26, बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है, जबकि आदर्श को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड की 70 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर ओपिनियन पोल के दावे बताते हैं कि बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 39 से 41 सीटें। वहीं पर गोवा की 40 सीटों में से बीजेपी को 12 से 14 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है और आदर्श को 7 से 9 सीटें मिल सकती है, जबकि मणिपुर के अंदर 60 सीटों में से 16 से 18 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 32 से 34 सीटें और आदर्श को 9 से 11 सीटें मिल सकती है। इस तरीके का खुलासा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा, रसूखदारों पर काम होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर छात्रों के हितों में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा माफिया का बड़ा जाल बढ़ गया है, वे बड़े और रसूखदार लोग हैं और राजनीतिक दलों के साथ संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय शिक्षा संस्थानों का माफियाकरण जिन्होंने कर रखा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नेता और अधिकारी के स्तर के लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस शर्मनाक खेल को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और जो असली खिलाड़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के बाद छात्रों के हितों में आवाज उठाते हुए वरुण गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर का लीक हो जाना प्रदेश के अंदर लाखों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ दिखाई पड़ता है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि इस मामले में छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई का मामला खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस मामले में बड़े बड़े जो असली खिलाड़ी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े बड़े रसूखदार लोग जो इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तभी माना जाएगा कि सही में
अच्छा कदम उठाया गया है। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए बता दिया है कि अब समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है और अकेले दम पर चुनाव हरा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करेंगे, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। उन्होंने घोषणा की है कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पहले ही ये कह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह घोषणा विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान किया है और इस दौरान शीतकालीन सत्र से पहले उन्होंने विधानसभा परिसर में पहुंचने के बाद इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को और मजबूत करेंगे। ये जो बयान दिया है अपने आप में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा और खासकर बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं, अगर अखिलेश यादव के लिए काम करेंगे तो राज्य के अंदर और ज्यादा फायदा पहुंच सकता है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी पूरे गठबंधन को। इसी के साथ में दोस्तों पत्रकारों को संसद की प्रेस गैलरी में बैठने की इजाजत नहीं दिए जाने को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार कापड़ी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और सरकार ने इस सत्र के दौरान 26 विधेयक को सूचीबद्ध किया है। प्रधानमंत्री का ऐलान के बाद अब तीनों काले कानून को संसद में मोहर लगाकर वापसी को लेकर ऐलान कर दिया है। जल्द से जल्द प्रेसिडेंट से साइन कराने के लिए भी सोचेगी बीजेपी सरकार, जो आधिकारिक तौर पर रिपील होने वाला कानून है। इस बीच आपको बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की संसद की प्रेस गैलरी में बैठने की इजाजत नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है। प्रेस क्लब ने लिखा है कि 2021 के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, यहां पांचवां सत्र भी है जब पत्रकारों को जानबूझकर प्रेस गैलरी से बाहर रखा जा रहा है। हमने दिए आश्वासन का पालन किया है लेकिन सरकार अपने वादे का पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा मीडिया के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिबंधों का नया प्रारूप तैयार किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों कृषि कानून की वापसी वाला बिल दोनों सदन में पास होने के बाद विपक्षी पार्टी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन किसानों ने भी दिखा दिया कि उनका दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है और आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने ही पड़े। इसी के साथ में दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी समेत 12 सांसदों को पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा से निलंबित किया गया है। पिछले सेशन में अनुशासनहीनता के मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री ने माना कि उनकी गलती के कारण 700 किसानों की मौत हो गई, नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने सरकार पर यह निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने कहा था कि तीनों काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, हमें पता था कि 3-4 पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। वहीं पर काले कानून रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये किसानों की सफलता है और देश की सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि तीनों काले कानून रद्द होने के बाद MSP पर कानून बनाना पड़ेगा, हम पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अपने अन्नदाता किसानों के समर्थन में है। इसी के साथ में दोस्तों BKU के नेता राकेश टिकैत बोले कहा तीनों मामले का समाधान हो जाए, एक मामला अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि धोखे में नहीं रहे, सरकार हमारी मांगे माने और हम अपने अपने घर लौटे। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र मोदी को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों में धारणा बनाई गई थी कि नरेंद्र मोदी कानून वापस नहीं लेते हैं, लेकिन किसानों ने जिस तरीके से कानून वापस कराया है उसके बाद से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के दावे पर जनता ही सवाल पूछ रही है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।